ये जी टोयोटा यारिस, ये कौन सा मॉडल है? 19। ये आप कितने की बेच रहे हैं? 35,000। 35,000 की गाड़ी ठीक है? पूरा वकाला कहीं से रीपेंट तो नहीं है? पेंट हुआ है लेकिन गाड़ी वकाला है। कहाँ से पेंट हुआ है? पेंट हुआ है, बार बार पेंट हुआ है। बार बार से पेंट है लेकिन गाड़ी वकाला है। लेकिन कहीं से मेन एक्सीडेंट? मेन एक्सीडेंट कोई नहीं। पेंट क्यों हुई थी? कोई एक्सीडेंट की वजह से क्या? नहीं, ऐसा ही मारा। अच्छा अच्छा अच्छा, अपना फोन नंबर बताए। 0-53-05-66-66-91-8355। ये है जी टोयोटा यारिस, 2019 मॉडल है ना? टोयोटा यारिस 2019। कितनी चली है? 1,90,000। फाइनल कितने का? इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। तो लेकिन अभी इस वक्त आप डिमांड 35 कर रहे हैं? हाँ। इसकी जी डिमांड 35 है। और गाड़ी का मैं आपको इंजन और ट्रांसमिशन दोनों चेक करवाता हूँ। एसी इसका पहले चेक कर लेते हैं जनाब, के एसी किस हालत में है। एसी इस गाड़ी का जो है वो कूलिंग में आए तो पता चलेगा जनाब। एसी इस गाड़ी का ठीक है, कूलिंग इस गाड़ी की एसी की ठीक है। ट्रांसमिशन चेक करते हैं, देखें गाड़ी बाएं से किसी किसी जगह से ये रीपेंट है। मैं कंफर्म कर लेता हूँ कोई ऐसा एक्सीडेंट, कोई मेन एक्सीडेंट ना हुई हो तो गाड़ी ठीक है हमारा। ये देख लें इस गाड़ी की, ये ओरिजिनल ही लगी हुई है। सीले इसका, सीले वगैरह तो ठीक है यार, सब सही है। सीले वगैरह इस गाड़ी, सीले वगैरह इस गाड़ी की ठीक है। हाँ, ये सीले ठीक हैं गाड़ी की, और गाड़ी बाहर से किसी किसी जगह से रीपेंट है। एक जगह सीले देखे तो सीले इस गाड़ी की ठीक है, ओरिजिनल सीले हैं इस गाड़ी की। यारिस 2019 मॉडल, ये वाली जगह इसकी रीप्रिंट नहीं है। रियर साइड में इसके पार्किंग सेंसर है, 1.5 इसका इंजन है, और शीशे जो है इसके सब इसके अपने हैं। ये इसका अपना नहीं है, फ्रंट में फ्रंट का ग्लास इसका अपना है। इस मीन के गाड़ी आगे से मेन एक्सीडेंट नहीं हुई है। मैं आपको गाड़ी का ट्रंक भी दिखाता हूँ। इंटीरियर अगर मैं गाड़ी का दिखाऊं तो इंटीरियर काफ़ी साफ है, सीटें वगैरह इसकी नीट एंड क्लीन है, चेक कर लें। और पीछे से जो है गाड़ी जो है इसका ट्रंक जो है इसका अपना है ओरिजिनल हालत में। अगर कहीं से अगर गाड़ी रीपेंट भी हुई हुई है ना, थोड़ी थोड़ी जगह से हुई है, लेकिन गाड़ी कहीं से एक्सीडेंट नहीं है, ये चेक कर लें। गाड़ी के सीले वगैरह अपनी जगह पर हैं, चेक करें तो गाड़ी बिल्कुल सही हालत में। मैं आपको इसकी सीले रियर साइड पे चेक करवाता हूँ। ये चेक कर ले, सीलिंग गाड़ी की ठीक है, गाड़ी पीछे से भी एक्सीडेंट्स नहीं है। मैं गाड़ी आपको आगे से भी चेक करवाता हूँ, ये चेक कर लें सीले वगैरह इस गाड़ी की ठीक है। और पार्किंग सेंसर है इसके रियर साइड पे, चेक कर लें गाड़ी के। टायर तो 10x10 है गाड़ी के, चेक कर लें। मैं आपको इसकी गाड़ी की ये सील भी चेक करवाता हूँ, ये चेक कर लें, बिल्कुल सही है ओरिजिनल हालत में। डोर की सील मैं आपको चेक करवाता हूँ तो इसकी अपनी है ओरिजिनल, देख लें। डोर की सीलें वगैरह इसकी अपनी है, ये वाली सारी, ये ग्लास इसका अपना है, देखें टोयोटा की स्टैंप है इस ग्लास पे। ये ग्लास भी मैं चेक करवाता हूँ, एक ग्लास पे टोयोटा की स्टैंप नहीं थी, ये भी टोयोटा की अपनी स्टैंप है इस ग्लास पे भी। इसमें भी टोयोटा की अपनी स्टैंप है। नहीं, पीछे से एक्सीडेंट नहीं है? हाँ। नहीं है, नहीं पीछे से, पीछे से नहीं है? नहीं नहीं, पीछे से एक्सीडेंट किधर इसके डने और क्या फर्क है? नहीं बस वो थोड़ी थोड़ी जगह हो जाता है ना, गाड़ी कहीं ना कहीं अगर खराश वगैरह आती है गाड़ी तो क्या करेगा, उसको पेंट ही तो करेगा, लेकिन पुटीन नहीं होनी चाहिए। बाबा के लिए पेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है, गाड़ियाँ होती हैं, रोड पर चलती हैं तो होती तो है ना। आगे चलते हैं, गाड़ी के इंजन की हालत में चेक करवाता हूँ। माशाल्लाह काफ़ी साफ इंजन है, और यहाँ से जो है गाड़ी की सीलें ठीक हैं, गाड़ी की सीलें इसकी अपनी है, बॉनेट इसका अपना है। ये इधर से लगी है, ये इसके अंदर सीधा किया है, बाकी ठीक है, है। यहाँ से भी मुश्किल नहीं, बहुत सा लगी गाड़ी यहीं से लगी थी। मेरा ख्याल इस साइड से लगी है, इस साइड से लगी है तो उसको सीधा कर दिया, तो चेक
चेक कर लेंगे, इसको बत्ती देके सीधा किया, इसको बोलते हैं इसको बत्ती देके सीधा करना, इसका मुश्किल नहीं होता, कोई इश्यू नहीं होगा। गाड़ी का फास्ट सिस्टम हमारा दोनों है, फास्ट और सिस्टम हमारा दोनों है जी, वैलिड है गाड़ी के। ये साइड पेंट है ये वाली, ये वाला और फ्रंट बम्पर इसका रीपेंट हुआ हुआ है, बाकी गाड़ी ठीक है जनाब। गाड़ी काफ़ी सही हालत में है अभी, ये गाड़ी जो है जब इंस्पेक्शन करवाएंगे तो पता चलेगा, बाकी ओवरऑल गाड़ी ठीक है। एसी चलता है ना? हाँ, एसी चलता है। मैं गाड़ी का एसी आप लोगों को दोबारा चेक करवाता हूँ, गाड़ी का एसी चेक कर लेते हैं अंदर से। देखें गाड़ी का एसी मैंने ऑन कर दिया, आरपीएम वगैरह गाड़ी के बिल्कुल ठीक है। चेक करते हैं कि इस गाड़ी का एसी कितना किस हद तक कूलिंग करता है। एसी ने अभी तक कूलिंग शुरू नहीं की, इसमें गैस नहीं है मुमकिन। अभी कूलिंग आई है लेकिन फिर कूलिंग इसकी थोड़ी डाउन है, गाड़ी अंदर से बिल्कुल नीचे क्लीन है, कम चली हुई है, 1,90,000 गाड़ी चली हुई है, बहुत कम है। नंबर मैंने मेंशन कर दिया है, बाकी गाड़ी में कोई काम तो नहीं है। ट्रांसमिशन में आपको एक दफ़ा फिर इसकी चेक करवाता हूँ, ये चेक कर लें, ट्रांसमिशन इसकी बिल्कुल ठीक है। और ये गाड़ी भी आप बाय कर सकते हैं इंस्पेक्शन करवाने के बाद। मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि इस गाड़ी के एयर बैग्स हैं या नहीं। गाड़ी के एयर बैग हैं? दोनों एयर बैग हैं? हाँ, गाड़ी के एयर बैग वगैरह। नंबर एक दफा फिर बता दें आप। 0530 66 66 91 91 835 835। आपकी डिमांड कितनी है? 35,000। 2019 मॉडल है? ठीक है जी, पूरा ये 13,000। अच्छा, इसमें रेट में जी डिस्काउंट हो जाएगा। अगर कोई भाई ये गाड़ी बाय करना चाहता है तो भाई से आप लोग रब्ता कर सकते हैं। यारिस 2019 मॉडल और इसकी डिमांड है जी 35,000 सऊदी रियाल। गाड़ी आपको मैंने चेक करवा दी, इसके एसी वगैरह बंद करते हैं। इसका फास्ट सिस्टम हमारा दोनों वैलिड है, ट्रांसमिशन इंजन इसका ओरिजिनल वकाले का, वकाला मतलब इसका अपना ओरिजिनल है, ठीक है। बाकी आप भाई से डिस्कस करके रेट में नेगोशिएशन आप करवा सकते हैं। रेट इस गाड़ी का जो है वो ओनर उधर खड़ा हुआ है, ये आप चेक कर लें। कारों की हालत जो है इसकी 10x10 कंडीशन में सही है जी। यारिस 2019, डिमांड इसकी 35,000 सऊदी अरब, चेक कर लें।